Professor Benzene, this is Professor Benzene. Today we are discussing the fifth and the last part of metallurgy chapter for class 12 CBSE and NIST. In this video we will discuss refining and application of metals. So let's begin. So before that we talk about extraction of chlorine from brine. How is this done? It is done by oxidation reaction. Oxidation reaction carry out karke hum karte hain क्लोरीन का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ब्राइन. तो NaCl एक्वस विल ब्रेक इनटू Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, जिसमें कैथोड पे 2Na प्लस प्लस 2 वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म 2NaOH प्लस H2, और एनोड पे 2Cl माइनस विल गिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ से हमको क्लोरीन मिल गया. अब 2Cl माइनस एक्वस प्लस H2O लिक्विड विल फॉर्म 2OH माइनस एक्वस प्लस H2 गैसेस प्लस Cl2 गैसेस. ये एक जो रिएक्शन है ओवरऑल ये एनोड पे कैरी आउट करेगा, कैथोड पे और एनोड पे और ओवरऑल रिएक्शन. तो यहाँ से हमको Cl2 मिल गया फ्रॉम ब्राइन. ब्राइन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ NaCl. तो वहाँ से हमको Cl2 मिल गया. डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन इज 422 किलो जूल एंड पोटेंशियल इज -2.2 वोल्ट्स. दैट इज एन एक्सटर्नल वोल्ट ऑफ इन एक्सेस ऑफ 2.2 वोल्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन. इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए एक्सटर्नली 2.2 वोल्ट्स का पोटेंशियल जो है वो अप्लाई करना ज़रूरी है, तभी रिएक्शन होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है वो -2.2 वोल्ट्स है और इसकी जो डेल्टा जी है, गिब्स फ्री एनर्जी, वो 422 किलो जूल है. अब इसी में एक आता है डोज प्रोसेस. इसमें क्या होता है? NaCl लिक्विड विल ब्रेक इनटू Na प्लस NaCl माइनस, और कैथोड पे Na प्लस विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम, और 2 क्लोरीन माइनस will form Cl2 and lose 2 electrons. Sodium is produced at cathode and Cl2 is liberated at anode in the dose process. ये भी same है for extraction of chlorine from brine. Next, extraction of gold. अब gold कैसे extract करेंगे? इसके लिए reactions होते हैं. क्या होता है? 4Au solid plus 8Cl minus aqueous plus 2 water aqueous plus O2 gases. ये सब कंबाइन हो रहा है. 4Au solid plus 8Cl minus aqueous plus 2 water aqueous plus O2 gases will form 4AuCN whole choice minus aqueous plus 4OH minus aqueous. अब इसमें से जो AuCN whole choice minus था उसके दो मॉलिक्यूल aqueous plus zinc will form 2Au solid plus ZnCN whole 4 2 minus aqueous. तो यहाँ से गोल्ड अलग हो गया. या फिर इसी की जगह क्या हो सकता है? 4Au प्लस 8NaCN प्लस O2 प्लस वाटर 2 वाटर विल फॉर्म 4NaAuCN होल ट्वाइस प्लस 4NaOH 2NaAuCN होल ट्वाइस प्लस जिंक विल फॉर्म Na2ZnCN होल 4 प्लस 2Au प्रेसिपिटेट. तो इस केस में गोल्ड जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाएगा. इस तरीके से हम गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर. ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस है. इसमें क्या होगा? 2AgS सॉलिड प्लस 8Cl माइनस एक्वस प्लस 2 वाटर एक्वस प्लस O2 गैसेस विल फॉर्म 4AgCN होल ट्वाइस माइनस एक्वस प्लस 4OH माइनस एक्वस प्लस 2 सल्फर. नाउ 2AgCN होल ट्वाइस माइनस एक्वस प्लस जिंक सॉलिड विल फॉर्म Zn 2Ag सॉलिड प्लस ZnCN होल 4 2 माइनस एक्वस. प्रोसेस इज क्वाइट सिमिलर टू एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड. सिमिलर रिएक्शन आर गोइंग ऑन. अगेन अनदर प्रोसेस, 4Ag प्लस 8NaCN प्लस O2 प्लस 2 वाटर विल फॉर्म 4NaAgCN होल ट्वाइस प्लस 4NaOH, यहाँ से बन गया. और उसके बाद Ag2S जो यहाँ से मिल गया उसका रिएक्शन कराएंगे विद 4NaCN, तो मैं 2NaAgCN होल ट्वाइस प्लस 2NaS बनेगा. यहाँ पर सोडियम डाई साइनो एर्गनेट एर्गनेट जो है वो मिल गया, विच इज सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स. अब ये जो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स था इसका जिंक से रिएक्शन कराएंगे एंड वी विल गेट Na2ZnCN होल 4 प्लस 2Ag प्रेसिपिटेट. तो यहाँ से सिल्वर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गया. अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की बात करेंगे. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम मेटल और प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग. रिफाइनिंग होता क्या? मेटल को प्योरीफाई करना, इम्प्योरिटी को रिमूव करना, उसको बोलते हैं रिफाइनिंग. इसके लिए कुछ प्रोसेस हैं. पहला डिस्टिलेशन. दिस इज यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग मेटल्स सच एज जिंक एंड Hg विच इज मर्करी. द इम्प्योर लिक्विड मेटल
is evaporated to obtain pure metal as distillate. Impure liquid metal, जो impure metal है उसको evaporate कर देते हैं और pure metal is obtained as distillate. इसलिए इसको distillation बोलते हैं. अब दूसरा liquation, इसमें क्या होता है? This method is used for refining the metals having low melting points such as Sn, which is tin, lead, mercury and bismuth. Then the impurities, जिनका melting point जो है वो impurity से कम होता है, उनको extract करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं. द इम्प्योर मेटल इज़ प्लेस्ड ऑन द स्लोपिंग हुड एंड इज़ जेंटली हीटेड. द मेटल मेल्ट्स एंड फ्लोस डाउन लिविंग बिहाइंड नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज. मेल्टिंग पॉइंट लो है तो जब हीट करेंगे स्लोप पे रख करके, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है यानी कि जो हमारे काम का मेटल है प्योर मेटल, वो जल्दी हीट होगा और लिक्विड होकर के स्लोप से फ्लो डाउन कर जाएगा और अलग हो जाएगा. इम्प्योरिटी जो है वो ऊपर रह जाएगी. इस तरीके नॉन विजिबल इम्प्योरिटी जो है वो ऊपर रह गई, तो जो प्योर मेटल था जो हमको चाहिए था वो नीचे आ गया मेल्ट होकर के. तो इस तरीके से ये काम करता है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. इसमें क्या होता है? इन दिस मेथड इम्प्योर मेटल फॉर्म्स द एनोड वाइल द कैथोड इज अ रॉड और शीट ऑफ प्योर मेटल. इम्प्योर मेटल जो है वो कैथोड बनाएगा और प्योर रॉड और प्योर शीट ऑफ प्योर मेटल, एक शीट या फिर रॉड ऑफ प्योर मेटल जो है वो कैथोड बनाएगा. द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सोल्यूशन सॉल्ट ऑफ द मेटल एज ऑलवेज. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो होता है जो सोल्यूशन है वट इज़ सॉल्ट, सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ द मेटल. ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी द प्योर मेटल गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड. जो प्योर मेटल है वो कैथोड पर जाएगा वाइल इन सोल्यूबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन इन द बिलो द एनोड एज एनोड मड और एनोड स्लज. जो इम्प्योरिटी है वो सेटल डाउन हो जाएगी एनोड पे एज एनोड मड और एनोड स्लज, और जो प्योर है वो जो है कैथोड पे जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा. मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्रोमियम, जिंक, निकल एक्सेट्रा आर प्योरीफाइड बाय दिस मेथड. नेक्स्ट इज जोन रिफाइनिंग. इसमें क्या होता है? दिस मेथड इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन. फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन नॉट डिस्टिलेशन. दैट इज अ डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द इम्प्योरिटीज इन मोल्टन एंड सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल. यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है मेटल की उसमें जो डिफरेंसेज, हर एलिमेंट के मेटल की जो सॉल्युबिलिटी है उसमें कुछ डिफरेंसेज होंगे इन द इम्प्योरिटीज ऑन द मोल्टन एंड द सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल. मतलब इम्प्योरिटी की जो सॉल्युबिलिटी उसके डिफरेंसेज जो हैं हर मेटल वाइज उसके बेसिस पे सेपरेशन करेंगे. सेमी कंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड एंड इंडियम एंटीमोनाइट आर प्योरीफाइड बाई दिस मेथड. एलिमेंट्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी आर ऑब्टेन्ड बाई दिस मेथड. इस मेथड से बहुत ही प्योर जो मेटल्स हैं वो ऑब्टेन होते हैं. और कौन कौन से मेटल्स में यूज़ करते हैं? मोस्टली जो सेमी कंडक्टर्स हैं उनको यूज़ करते हैं, जैसे कि सिलिकन, जर्मेनियम, गैलियम एक्सेट्रा. नेक्स्ट है वेपर फेज रिफाइनिंग. इसमें क्या है? इन दिस मेथड क्रूड मेटल is made free from impurities by first converting it into its volatile compound by heating with chemical reagent at low temperature. जो क्रूड मेटल है उसको impurities से फ्री करते हैं by converting it into its volatile compound. यानी कि मेटल को volatile compound में कन्वर्ट करेंगे with a chemical reagent at low temperature, कम टेम्परेचर पे. After this the volatile compound is decomposed by heating to some higher temperature टू फॉर्म प्योर मेटल. उसके बाद जो सेपरेट हो गया वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपाउंड जो बनेगा उसको डिकम्पोज करेंगे बाय हीटिंग टू सम हायर टेम्परेचर. उसको थोड़े और हायर टेम्परेचर पर हीट करके प्योर मेटल वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे फ्रॉम द वोलेटाइल स्टेट. इसको बोलते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग, क्योंकि इस केस में रिफाइनिंग जो है वो वेपर बनने के बाद ही हो रही है, इसलिए उसको बोलते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग. नेक्स्ट इज वैन एरकल मेथड. इसमें क्या होता है? दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्ट्रा प्योर मेटल यूज्ड इन स्पेस टेक्नोलॉजी, एग्जांपल टिन, जर्कोनियम एक्सेट्रा. अल्ट्रा प्योर मेटल बनाने के लिए यूज़ करते हैं. रिएक्शन क्या होते हैं? इम्प्योर टिन प्लस 2I2 सॉलिड एट 523 केल्विन विल फॉर्म TiI4 गैशियस. फर्दर 1700 केल्विन पर उसको हीट करेंगे तो टिन प्योर मिलेगा सॉलिड प्लस 2I2 गैशियस अलग हो जाएगा. या फिर जर्कोनियम है तो वो भी इम्प्योर लेंगे प्लस 2I2 870 केल्विन पे हीट करेंगे टू फॉर्म ZrI4 गैशियस. फर्दर 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोबारा हीट करेंगे 1800 केल्विन पे सॉरी तो जर्कोनियम प्योर मिल जाएगा और 2I2 गैशियस अलग हो जाएगा. सिमिलरली देयर इज मॉन प्रोसेस.
इट इज़ यूज फॉर रिफाइनिंग निकल निकल व्हेन हीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड. स्टीम फॉर्म्स NiCO4 विच इज वोलेटाइल इन नेचर एंड डिकम्पोजेस इनटू प्योर निकल. वोलेटाइल फॉर्म में जो भी पढ़ा पीछे वोलेटाइल रिफाइनिंग उसी में यूज़ करते हैं. Ni+4CO विल फॉर्म NiCO4 और ये जो है वोलेटाइल फॉर्म में अब ये डिकम्पोज हो जाएगा इंटू Ni+4CO. अब यहाँ जो Ni डिकम्पोज हुआ दैट इज प्योर निकल. नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी. ये क्या होता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर ऑन अ एन एड्सॉर्बेंट. एक मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट्स एक ही एड्सॉर्बेंट पे अलग अलग सेलेक्टिव तरीके से एड्सॉर्ब होते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम. इस मेथड पे काम करता है क्रोमेटोग्राफी. तो ये कई तरह का होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी. इसमें से हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिर्फ कॉलम क्रोमेटोग्राफी. तो इसमें क्या होता है, अ गैस कॉलम इज फिल्ड विद सॉलिड एड्सॉर्बेंट लाइक Al2O3 एंड अ सोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट इज पास्ड थ्रू अ कॉलम एंड डिफरेंट कॉलम्स आर एड्सॉर्ब्ड इन द कॉलम एट डिफरेंट कंपोनेंट्स आर एड्सॉर्ब्ड इन द कॉलम एट डिफरेंट लेवल्स. मतलब कि एक हमने गैस कॉलम बनाया फिल्ड विद सॉलिड एड्सॉर्बेंट जिसमें कि सॉलिड एड्सॉर्बेंट फिल कर दिया लाइक Al2O3. सोल्यूशन ऑफ द कंपोनेंट्स इज पास्ड थ्रू द कॉलम. एक सोल्यूशन जिसमें अलग अलग कंपोनेंट है जिनको सेपरेट करना है उसको कॉलम से पास करेंगे तो कंपोनेंट अलग अलग कॉलम के अलग अलग लेवल पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे. कोई कहीं पे कोई कहीं पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलग अलग लेवल पे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन विल बी एड्सॉर्ब्ड. द एड्सॉर्ब्ड कंपोनेंट्स आर इल्यूट ट्रीट बाय यूजिंग सूटेबल इल्यूएंट. अब इल्यूएंट क्या होता है, इल्यूटेड क्या होता है? तो जो एड्सॉर्ब कंपोनेंट है वो सेपरेट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर एक तरीके से सॉल्यूट यूज करके उसको अलग कर ले रहे हैं हम. तो इल्यूटेड यानी कि टू सेपरेट आउट यूजिंग अ सूटेबल इल्यूएंट विच इज सॉल्वेंट. इल्यूएंट इज सॉल्वेंट है. दिस टेक्निक इज यूजफुल इन एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द माइन्यूट क्वांटिटीज एंड नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम इम्प्योरिटीज इन केमिकल कंपोजिशन. इम्प्योरिटी जो है और जो प्योर कंपोनेंट चाहिए उन दोनों की में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इन द केमिकल कंपोजिशन और बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है प्योर मेटल. तो वहाँ पे सेपरेशन के लिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी को हम यूज़ करते हैं. अब बात करेंगे यूसेज ऑफ मेटल, लास्ट टॉपिक. तो एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन केबल्स, टू एक्सट्रैक्ट क्रोमियम एंड मैंगनीज फ्रॉम दी ऑक्साइड्स, इन मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स एंड फॉइल्स. ये तो यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, पता ही है. नेक्स्ट यूजेस ऑफ कॉपर, ये कहाँ यूज़ करेंगे? इन मेकिंग वायर्स एंड वाटर एंड स्टीम पाइप्स. पाइप और वायर बनाने में जो वायरिंग होती इलेक्ट्रिकल वायर्स वहाँ यूज़ करेंगे. इन मेकिंग यूटेंसिल्स कॉइन्स एक्सेट्रा एंड इन सेवरल अलॉयस. कॉपर इज ऑल्सो यूज इन अलॉयस लाइक ब्रास एक्सेट्रा. सेवरल अलॉयस आर मेड फ्रॉम कॉपर. नेक्स्ट जिंक इन गल्वनाइजिंग आयरन, इन ड्राई सेल एज इलेक्ट्रोड्स, इन मेकिंग अलॉयस एंड एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर. जो ड्राई सेल होते हैं उसमें भी जिंक होता है, जो बैटरी वगैरह में डलती है, सेल वगैरह होते हैं जो नॉर्मल यूज़ करने के लिए रिमोट वगैरह में, उसमें भी जिंक होता है. और इन मेकिंग अलॉयस एंड एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर जिंक इज यूज. लास्ट आयरन, इन मेकिंग राउट आयरन एंड स्टील. राउट आयरन जो है वो अनदर फॉर्म स्क्रैप आयरन से बनता है. सो और स्टील बनाने का काम आता है विच इज़ एन अलॉय. एंड इन कास्टिंग स्टोव्स, रेलवे स्लीपर्स एट्सेट्रा. और इन मेकिंग साइकिल्स, ऑटोमोबाइल्स, यूटेंसिल्स एंड पेंस. तो लोहा है, आयरन बहुत जगह यूज़ होता है, पता ही है. साइकिल्स बनाने के, ऑटोमोबाइल्स बनाने का काम आता है, यूटेंसिल्स बनते हैं और पेंस वगैरह बनते हैं. इट्स यूज इन सिविल एप्लीकेशंस. तो दोस्तों यहीं पर चैप्टर खत्म होता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर का सलूशन के साथ बहुत जल्द.